बजट से किसानों को काफ़ी उम्मीदें थी, अब जब बजट पेश हो गया है तो किसानों को क्या कुछ मिला है, उनकी झोली में क्या आया, ये जानने के लिए हमारे साथ खुद किसान नेता सरवन सिंह बंदे साहब हैं। बजट भाषण आपने सुना होगा निर्मला सीतारमण जी का, कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा फसलों की किस्में हैं, 32 फसलों की, उनको सरकार लाएगी अब बाहर। हाँ ठीक है, जो आज हमने बजट में सुना, अभी पूरा तो मालूम नहीं है, और कहा जा रहा मोदी सरकार का 11वां ऐतिहासिक बजट है जो कहा जा रहा, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये देश के किसान मजदूर को इग्नोर करने का भी एक ऐतिहासिक बजट है। इसमें जो रकम रखी गई है 1.52 लाख करोड़ की है, तो ये 48 लाख करोड़ के कुल बजट से लगभग 3% ही है। उसमें से आप नई फसलें भी लाएंगे वातानुकूल की करके, उसमें से ग्रामीण विकास भी करेंगे, सब्जियों के लिए क्लस्टर भी लाएंगे, कुदरती खेती भी करेंगे, सब्सिडी भी बढ़ाएंगे, तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है जो हम मानते हैं। आपने बजट में MSP लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं रखा, देश के किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करने के लिए तो कुछ भी नहीं रखा, आप खुद सरकार अपने दम पर फसली बीमा योजना लाए उसमें तो कुछ भी नहीं है। इसी के साथ जो हम कहते हैं मजदूर को 200 दिन रोजगार कर दीजिए नरेगा में, दिहाड़ी अच्छी करिए, उसमें भी कुछ नहीं बोला। तो इस बार भी हमारी देश में आबादी, कुल आबादी का 70% है, देश की विकास की जो पखडंडी है हमारे गाँव से निकलती है, उसके लिए तो आपने कुछ किया नहीं है। तो ये एक निराशाजनक बजट है, विजन लेस बजट है। जो खेती बाड़ी में GDP गिर रही है उसको बढ़ाने के लिए भी आपके पास कोई विजन नहीं है। तो बजट को देखकर निराशा हुई, एक आशा थी भी हो सकता मोदी सरकार इस बार कुछ अच्छा कर ले, पर इस बार भी कोई अच्छा हमें बजट में नजर नहीं आ रहा। सरकार जोर दे रही है कि नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा, 1 करोड़ किसानों को उससे जोड़ने की कोशिश रहेगी, और साथ ही जो फसलों के जो एक तरीके से उपज बढ़ाने के लिए जो नई किस्म के बीज लाएंगे, ये कितना महत्व रखते हैं, इससे असर पड़ेगा फार्मिंग पर? देखिए बातें तो दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब जमीन की धरातल पर तो वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका बजट ही बहुत कम है। तो पहले खेती बाड़ी इतना बड़ा सेक्टर है, आप अलग से कोई बजट का प्रावधान करते हैं, कोई उसका रोड मैप बनाते, फिर हम मानते ऐसा हो सकता है, तो अकेले बात करने से बात तो नहीं बनेगी, बजट में कुछ है तो नहीं है, ये बात है। एक सवाल और, सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आया और उसमें ये कहा गया है कि अभी जो किसान हैं वो करीब 45% के आसपास हैं जो किसानी करते हैं, जैसे जैसे आगे 2 से 3 दशक में किसानों की संख्या और घटेगी, लोग किसानी छोड़ेंगे, तो इस पर क्या होना चाहिए, सरकार के क्या कदम आपको होते हुए इस पर दिखाई देते हैं? देखिए जो ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक्स मॉडल है वो मॉडल को हमारी भारत सरकार अपना रही है, खेती सेक्टर से, खेती से किसानों को निकाला जाएगा, कॉरपोरेट का कब्जा होगा, लड़ाई है वो कर रही, इसीलिए खेती सेक्टर को आप 70% आबादी के लिए 70% बजट दे दीजिए, फिर देखिए खेती आपके लिए क्या नहीं करेगी। जब आप इंडस्ट्री पे पैसा लगा रहे हैं, कॉरपोरेट पे पैसा लगा रहे हैं, तो कॉरपोरेट से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जब आप खेती सेक्टर पे पैसा लगाओगे तो खेती सेक्टर भी बहुत कुछ देगी। खेती सेक्टर देश की विकास दर को कहां से कहां पहुंचा सकती, खेती सेक्टर के लिए पैसा ही कुछ बजट में नहीं रखा गया। और इसके साथ साथ आपकी मुलाकात होनी थी कांग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से, उसको लेकर क्या जानकारी है? हाँ देखिए, रात हम लोग संजय सिंह से मिले थे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और अगर इस तरह की कोई बात हुई तो आपको जरूर बताएंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंडित को आप सुन रहे थे, बजट से खुश नहीं है, कह रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इस बजट में है नहीं, और अब सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में सरकार को एग्रीकल्चर पर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और उसके नतीजे भी फिर देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।